किया। अभी अगर मैं नंबर टू के ऊपर आता हूं, नंबर टू इज द नंबर ऑफ, इसमें पता नंबर को किस प्लैनेट का नंबर होता है, भूमि का नंबर होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी बार आता है, दो चीजें होती हैं। मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ यहाँ पे। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मनीष जी ने, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है साइकोलॉजी। अगर मैं 28 की बात करूं तो 28 की जो साइकोलॉजी है वो नंबर वन की है, क्योंकि टोटल वन हुआ। साइकोलॉजी क्या होता है? सोच, हमारी सोच कैसी है, हमारी बात करने का ढंग। लेकिन वो वन भी किस चीज से बना है? चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन से मिलकर, यानी कि मून और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो हमें यहाँ वन की मेंटालिटी लेनी पड़ेगी। सोच हमारी एक जैसी है 28 की वजह से, बट अगर मैं वन देखूं तो वन है नहीं, तो इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटता हूं। मिसिंग ऑफ वन भी है, लेकिन सोच हमारी ऐसी है, हमारा बिहेवियर वन वाला रहेगा लेकिन वो नंबर हमारे पास खुद मिस है। हमारी सोच है लेकिन हम वो चीज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो नंबर डायरेक्टली हमारे पास नहीं है। तो दो चीजें हैं, बिहेवियर हमारा एक अलग सेंस, और वो नंबर का होना या ना होना ये दूसरा सेंस। तो दूसरा नंबर हमारे पास आ गया। तो 28 में एक मैं आपको बताता हूँ, 28 में खास चीज क्या होती है। मैं थोड़ा सा 28 का बहुत अच्छा सवाल मनीष जी ने पूछा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नंबर टू बता रहा हूँ, नंबर टू के बारे में बता दूं। नंबर टू इज मून यानी कि चंद्रमा, एंड नंबर 8 इज सैटर्न यानी कि शनि। इन दोनों में ना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये नंबर वन को बना लेकिन किस चीज से बना? चंद्रमा और शनि से। चंद्रमा क्या है? मन है, ठीक है, और शनि क्या है? डिसिप्लिन है। अगर आप सब लोग यहां पर बैठकर अच्छे तरीके से इसे सुन रहे हैं ना, आप एक डेकोरम अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आप शनि को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप चंद्रमा को मेंटेन कर रहे हैं। मन विचलित होता है, ठीक है, शनि विचलित नहीं होता। तो 28 में, 28 के बिहेवियर में वन के फीचर्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मिला है चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन से मिलकर। चंद्रमा अनस्टेबल है, शनि स्टेबल है। अब इसका रीजन मैं दे देता हूं, 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने सभी ने सुना, सुना? पूर्णिमा से लेकर अमावस तक चंद्रमा घटता है, और अमावस से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है। तो जब अमावस से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है तो हमारा मन जो होता है वो हाई स्पीड से बढ़ रहा होता है, हमारा मन जो है। और आप 28 वालों में एक चीज देखेंगे, 28 नंबर वालों में एक चीज देखेंगे, जो भी 28 आप में से कोई है 28 तारीख वाला, जो 28 तारीख को पैदा हुआ है, 28 वालों में आप एक चीज देखेंगे कि जब अमावस से पूर्णिमा का समय चल रहा होगा तो इनके मन के अंदर एक अजीब ही खुशी होती है, एक्साइटेड होते हैं ये। और जब पूर्णिमा से अमावस का समय चल रहा होगा तो इनका मन डाउन होता है। ये 28 का फीचर है चंद्रमा शनि की वजह से। अब यहाँ एक और फीचर आ जाता है, फीचर क्या आता है कि चंद्रमा तो अनस्टेबल है, अप डाउन करता रहता है, हमारा मन अप डाउन करता रहता है। मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सुन रहा हूँ, मेरा कभी फोन बजे और मेरे को कोई ऐसे मैसेज आ जाए स्पोज करो तो क्या होगा, मेरा मन 1 मिनट से पहले विचलित होगा। ये फीचर है चंद्रमा का। हमारी जिंदगी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की वजह से आती है, हमारे मन की वजह से आती है। हमारा मन अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता ना तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये दो नंबर हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और शनि ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। और मन का भी डिसिप्लिन में रहा आज तक किसी का? और जिसका मन डिसिप्लिन में हो गया वो कौन? भगवान। वो भगवान जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान हो जाता है। इंसान में वो कैपेसिटी नहीं है। तो 28 नंबर वालों का मन हमेशा अप
डाउन अप डाउन अप डाउन। कभी तो ये कहेंगे कि यार आठ नंबर का फीचर आ जाएगा, कभी कहेंगे नहीं नहीं मैं काम करूंगा पूरी इच्छा शक्ति के साथ, और दो नंबर देगा कोई बात नहीं, मार दे सुस्ती, कल सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे अलार्म बजेगा, कोई नहीं घंटा और सो ले, फीचर आता है। इसी वजह से जो 28 नंबर वाले होते हैं ना उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल होता है, ऐसे जिगजैग चलता है उनका, जिगजैग चलता है। जब मूड अच्छे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मूड डाउन है तो काम छोड़ के बैठ जाएंगे, ये फीचर है इस चीज का। देखिए जब आप प्रॉपर न्यूमरोलॉजी को समझते हैं पढ़ते हैं ना तो दो चीजें हमारे पास होती हैं। हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल अमरीश जी आपने पूछा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक चीज बोली 1, 10, 19 और 28, ये चार नंबर्स हैं जिनकी साइकोलॉजी एक होती है, लेकिन क्या चारों जो मैंने नंबर वन की साइकोलॉजी के बारे में बताया क्या चारों के चारों लोग एक ही बिहेवियर के हैं? नहीं है, नहीं है। इसलिए हमें इनको जोड़ते रखना पड़ता है कि क्या वन के बारे में जो बता रहा हूं क्या वो 28 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, या 19 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, या 10 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो वन बना है ये दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो हमें इसको जोड़ते ही देखना पड़ता है। मान लीजिए 17 है, इसको साइकोलॉजी तो इसकी 8 रहेगी, लेकिन वो साइकोलॉजी इफेक्ट होती है 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से मिलकर। अब यस दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बेसिक फॉर्मेशन को नहीं भूल सकते, बेसिक फॉर्मेशन 17 के। अब ये सन एंड केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु इज द गार्गा फॉर अनसेटिस्फेक्शन, मैंने ये देखा ना ये बुढ़ापा शुरू हो गया है, 7 नंबर शारीरिक स्तर में बुढ़ापे का नंबर है, बुढ़ापा शुरू हो गया, और जब बुढ़ापा शुरू होता है इंसान के साथ तब क्या होता है, जिंदगी में जवानी गुजर गई, बचपन गुजर गया, तजुर्बे ही तजुर्बे हैं, तो बुढ़ापे में इंसान क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है 10-20 साल रह गए हैं, जी लो अच्छे तरीके से, क्या करना है किसी का, क्या बिगाड़ना है किसी का, तो वो जो फीचर्स हैं वो 7 नंबर वाले आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर सूर्य भी है, एनर्जी भी है, और 7 कॉम्प्रोमाइज भी है, टोटल बन गया है 8। तो 17 वाले बहुत समझदार इंसान होते हैं, 17 वाले बहुत समझदार इंसान होते हैं, क्योंकि वो सूर्य की एनर्जी भी है और केतु का रिसर्च भी साथ लेके आ रहे हैं, और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर नंबर 1 यानी कि डिसिप्लिन की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमें दोनों को क्लब करके फिर एक नंबर बनाना होगा। साइकोलॉजी तो 8 वाली है, लेकिन वो बनी किस तरीके से है हमें ये देखना पड़ता है, दो नंबरों के कॉम्बिनेशन से। जरूरी नहीं है कि 8 वाले सारे ही एक जैसे होंगे, 8, 17 और 26 तीन नंबर बनते हैं, 26 और 17 और 8 तीनों ही अलग अलग हैं, फीचर तीनों में 7 वाले हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है वो 2 नंबरों के कॉम्बिनेशन से मिलकर रही है। तो 17 में सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन को हमें क्लब करना होगा, तब हम 17 वाले का बिहेवियर निकाल सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, राइट। चलिए अब आते हैं नंबर 2। अभी मैं नंबर 2 के बारे में आपको बता रहा था कि मून है, मून चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। मैंने इसको आत्मा का लेवल, आत्मा के लेवल की शुरुआत माना, क्योंकि आत्मिक जो शुरुआत होती है हमारे मन से होती है। हमारे मन के अंदर अगर किसी चीज को लेके कोई फीलिंग आ गई, मुझे भगवान को मानना है, मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन मेरे मन के अंदर एक फीलिंग है कि मुझे भगवान को मानना है, तो मेरी आध्यात्मिक शुरुआत वहीं से हो गई, क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे एक मैसेज दे दिया मून के थ्रू। आपने वो कहानी सुनी है समुद्र मंथन, सुना सबने? Yes. समुद्र मंथन के अंदर जब वो मत रहे थे तो जो विष का अमृत निकला, विष को भगवान शिव ने पी लिया था, तो जो अमृत निकला था वो आया देवताओं के हिस्से में, राइट। और वो देवताओं के हिस्से में आया तो जो असुर थे उनका एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु, मैं राहु केतु की कहानी सुना रहा हूँ, राहु केतु कैसे बने। स्वरभानु जो एक ऐसा राक्षस था जिसके अंदर वो पावर थी कि वो देवताओं की शक्तियों को भी सक कर सकता था, राइट।
तब उसने देखा कि यार ये अमृत तो देवता पी जाएंगे, हम रोजेंगे, फिर हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहता चलो ठीक है, अब अमृत मैं भी पीऊंगा, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। तो उसने क्या किया कि मुझे तो सब पहचान लेंगे, तो सबसे कमजोर प्लैनेट जो था, सबसे कमजोर प्लैनेट, उसने उसको, उसकी पावर को खींचा, उसको बेहोश किया, उसके शक्ल ली और वो देवताओं के बीच में जाके अमृत पीने लगे। सबसे कमजोर प्लैनेट कौन? चंद्रमा। सबसे कमजोर प्लैनेट होता है मन, सबसे कमजोर होता है हमारा, जरा जरा सी बात हमारे दिल पे लगती है, क्यों? चंद्रमा की वजह से, फैक्ट है। तो वहां क्या हुआ, भगवान विष्णु को, भगवान थे, उनको पता लग गया, उन्होंने क्या किया, सुदर्शन चक्र से ना पकड़ तो लिया उसको, उसकी गर्दन उड़ा दी। यहां तक अभी अमृत पहुंचा था, यहां तक पहुंचा था और यहां से उसकी गर्दन उड़ा दी गई, और वो गर्दन इतनी दूर सात समुद्र पार जाके गई। तो सात समुद्र पार जाने के बाद वो अलग हो गई, तो जो नीचे का हिस्सा था उसका, जिसे आप धड़ कहते हैं, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, वो भगवान विष्णु के चरणों में जाके बैठ गया। कि जो दिमाग चला था, तेज दिमाग, मैं चार नंबर के बारे में एक टीचर आपको सामने बता रहा हूँ, चार नंबर राहु का होता है, दिमाग चला था, जो दिमाग चला था वो तो आपने अलग कर दिया, तो मेरे पास तो दिल है, मेरा दिल का क्या कसूर? तो ये सात नंबर दिल का नंबर होता है, चार नंबर दिमाग का नंबर होता है, दिल का क्या कसूर? तो भगवान ने, क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गया था, तो भगवान ने उसको मुक्ति का कारण मानते हुए उसे मोक्ष की प्राप्ति दी। केतु को मोक्ष का कारण कहा जाता है, और आपकी जन्म तारीख के अंदर सात की अधिकता भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो आध्यात्मिक लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, परंतु आप भौतिक जिंदगी से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होंगे। एक फीचर यहाँ पर आता है, चलिए ये बहुत लंबी चल रही, तो यहाँ से राहु केतु अलग अलग हुए, चार नंबर राहु और सात नंबर केतु का फीचर। हम दो पे आ रहे थे, अभी दो पे अटके हुए हैं, मन पे आ रहे थे। देखिए ये मन का फीचर है कि कहानी कहीं से शुरू हुई और चली कहाँ तक, ये मन की बात है, मन कहाँ का कहाँ चला गया और कहीं की कहीं बात हो गई। तो नंबर दो मन, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं। तो जहां दो की बात आती है, हम मन की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, और इवन हम चंद्रमा को अपनी माँ भी मानते हैं। वैसे कहा जाता है चंदा मामा, हम मामा कहते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों के अंदर चंद्रमा को एक स्त्री कारक ग्रह माना गया है, इसको माँ का दर्जा दिया गया। ज्योतिष में जब हम देखें ना, आप किसी भी ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाएं, अगर आपका चंद्रमा कहीं कमजोर होगा ना, तो आपकी माँ को हेल्थ इश्यू होता है उस चीज को। आपके मन में तो इफेक्ट आता ही है, लेकिन उसका डायरेक्ट प्रभाव आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर भी जाता है अगर आपका चंद्रमा कमजोर होता है। तो यहाँ पर दो की फीलिंग्स की बात करता हूँ, तो टू इज इमोशंस, इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी। ये तीन चीजें नंबर दो के साथ जुड़ी हुई, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, संवेदनशीलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास दो नहीं है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो यहाँ पर दो स्थितियां पैदा होती। ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान के अंदर इमोशंस भी होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम। तो दो का ना होना इस बात को इंडिकेट करता है, प्रैक्टिकली कुछ लोगों के ऊपर मैंने इसको देखा कि दो का ना होना एक चीज को इंडिकेट करता है कि या तो आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं, या आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं, बीच का कोई लेवल ही नहीं है इसका। जिसके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। एग्जाम्पल दूं, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे किसी बात पे हंसी आ गई, मेरे आगे से कैसा इंसान गुजरा जिसके पास दो नहीं था, या उसके इमोशंस हैवी थे। इमोशंस हैवी होने का एक और रीजन होता है, दो तीन बार आना आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उनके इमोशंस भी ज्यादा होते हैं। वो एक ऐसा इंसान हमारे आगे से गुजरा जिसके पास
इमोशंस उनके हाई थे, जो कि मैंने अभी बताया कि जिसके इमोशंस हाई होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अब उसने देखा कि यार ये बंदा ना हंस रहा है, अब निकला वो था आगे से, हम अपनी बात से हंस रहे थे, तो वो क्या करेगा मेरे पास आके, वो मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा अच्छा मेरी बात पे हंस रहे हो, मेरे बारे में बात कर रहे हो। आप देखिएगा आपके पर्सनल लाइफ में भी ये चीज होती होगी, होती है, अक्सर होती है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सेंसिटिव सा बंदा आपके आगे से निकल जाए, उसको ये लगता है कि शायद मेरे बारे में बात कर। अब यहाँ पर दो स्थितियां पैदा हो जाती है उस केस में। पहली स्थिति क्या पैदा होती है, पहली स्थिति ये पैदा होती है कि वो आपसे आगे लड़ने लग जाए और आपसे कहे कि यार मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो। और दूसरी स्थिति क्या पैदा होती है, दूसरी स्थिति ये पैदा होती है कि वो आपको कुछ ना कहे, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव है, वो आपको कुछ ना कहे और जाकर बंद कमरे में अपने आप को कोसे। बंद कमरे में जाकर वो ये कहे कि यार वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, मेरे बारे में ही क्यों बात कर रहा था, पता नहीं ऐसी क्या बात, वो उसको दिल पे ले लेता, वो सेंसिटिव हो जाता है। इसको मोर इंट्यूटिव भी कहते हैं हम लोग, मोर इंट्यूटिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मोर इंट्यूटिव, ये इंट्यूशन ही है, इसे प्री इंट्यूशन कहा जा रहा है कि जो बात हुई नहीं हमने उसकी जजमेंट ले ली पहले से, जो बात अभी हुई नहीं है उसकी जजमेंट हमने ले ली है, दैट्स व्हाई। तो जिनके पास दो नहीं होता, या तो वो इमोशन लेस होते हैं या वो हाई इमोशन वाले लोग होते हैं, बैलेंस नहीं होता उनके इमोशंस का कभी भी, राइट। और जिनके पास एक बार आता है, फिर आइए इधर, छोटा बच्चा आत्मा का स्तर, उसके इमोशन ना बिल्कुल आपको एक छोटे बच्चे की तरह मिलेंगे। सोल हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो होती है सोल, जो आपको इंडिकेट करती है कि आप कहाँ गलत और आप कहाँ सही हैं, ये सोल ही है जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ हर जन्म में ट्रेवल करती है, वरना ये शरीर यहीं रह जाते हैं, ये शरीर यहीं रह जाते हैं शमशान तक। आत्मा जो है वो हर जन्म में हमारे साथ जाती है। तो नंबर टू, आपकी जन्म तारीख के अंदर कितनी बार, एक बार। अब एक छोटे बच्चे की तरह आप एक छोटे बच्चे को थोड़ा सा डांटो, वो क्या करेगा, रोने लग जाएगा, ठीक है। और उसी बच्चे को 5 मिनट बाद प्यार कर लो, वो खुश हो जाएगा, एक छोटा बच्चा। और जिनकी जन्म तारीख के अंदर दो एक बार होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है, जरा सा किसी ने कुछ कहा दिल पे लगी और 10 मिनट बाद उसी व्यक्ति ने आपसे जरा प्यार से बात करके आपको समझाने की कोशिश की, आप पिछले वाली बात भूल गए। इमोशंस फीलिंग्स जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे की, ऐसे लोगों को लाइफ में ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती। क्यों, क्यों आती है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं, अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं होती, हम हर आदमी से शेयर करते हैं, छोटा बच्चा करता है ना हर आदमी से, फीलिंग्स हर आदमी से शेयर करते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं ना वो हमारे प्लानिंग्स, हमारे आइडियाज को निकाल के ले जाते हैं और हम सोचते रहते हैं, छोटा बच्चा सोचता रहता है, आइडिया छोटे बच्चे ने दे दिया और जो मैच्योर होगा वो उसको कैप्चर कर जाएगा, वो उसको गेम कर जाएगा, राइट। सेंसिटिविटी छोटे बच्चे की तरह होते हैं, मिनट में रोने लग जाएंगे, मिनट में खुश हो जाएंगे, सेंसिटिव भी वैसे ही होंगे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। और उनका इंट्यूशन का लेवल भी छोटे बच्चे जैसा होता है, जितना सोच सकते हैं उतना सोचेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेते, जितना सोच सकते हैं ना, जितना उनका छोटे बच्चे का माइंड होता है उतना की सोचेंगे, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं देते, ठीक है। तो टू, आपके पास दो बार आ जाए, तो अगर आपकी जन्म तारीख के अंदर टू जो है वो टू टाइम्स, देन दो का दो बार आना इस बात को इंडिकेट करता है दैट यू आर अ मैच्योर पर्सन, आपका इंट्यूशन का लेवल, आपके इमोशंस और आपका सेंसिटिव बिहेवियर
बैलेंस्ड है, राइट? ऐसे लोग कभी रिएक्ट नहीं करते बड़ी जल्दी। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया ना, तो आप साइलेंटली उसको सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर अपना रिएक्शन देंगे। सेंसिटिव भी बैलेंस लेवल में ही होते हैं, रिएक्शन देना है तो देंगे, नहीं तो कई बार इग्नोर भी कर देंगे। और हाँ जी सर, हमारे यहाँ ना बहुत सारे संवत हैं, एक विक्रम संवत है, सत संवत है, हिजरा संवत है, चाइनीज संवत है, कोरियन संवत है, ये किस पे अप्लाई होगा? ये आप उस नंबर पे अप्लाई करेंगे जो आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं। सर मैं तो कभी सर विक्रम संवत में चला जाता हूँ, कभी सत संवत में चला जाता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। नंबर्स की एक फिलोसफी होता है, नंबर की एक फिलोसफी होती है। नंबर की फिलोसफी ये होती है कि जिस नंबर को आप रूटीन में यूज कर रहे हैं उसके इफेक्ट आपके हम सब लोग विक्रम संवत को यूज करना शुरू कर दें तो उस नंबर का प्रभाव हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। हम यूरोपियन पैटर्न देते हैं, सीक्वेंस 1 2 3 4 चला रहे हैं ना, तो जो हम प्रेजेंट में हमारे सोशल एटमोसफेयर में यूज कर रहे हैं उसका प्रभाव फिलहाल हमारे पास। हम सब लोग मेजोरिटी बना लें कि नहीं, हमें वो यूज ही नहीं करना, हमें विक्रमी संवत ही यूज करना है, तो आप देखिएगा कि हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज उसी चीज को उठाती हैं जो आप यूज कर रहे हैं। नंबरों के केसेस में भी ऐसा होता है, नंबर्स के केसेस में भी ऐसा ही होता है। तभी मोबाइल नंबर का पुराने समय में हम कई बार अभी इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मोबाइल नंबर का हमारी जिंदगी में बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्ट होता है। पुराने समय में मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो इसके इफेक्ट को नहीं मानते थे, लेकिन अभी मोबाइल के अंदर हम लोग नंबर यूज कर रहे हैं और आपको पता है कितना ज्यादा इफेक्ट है इसका हमारी जिंदगी के अंदर, कितना ज्यादा। एक कॉल अभी आए तो ये जो नंबर है ना, ये हमें एक मिनट में खुशी दे देता है, ये नंबर हमें एक मिनट में डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और इसका इफेक्ट मैं बताता हूँ आपको, राहु का प्रभाव आज की भौतिक जिंदगी के अंदर। आप जब भी लोग आज के टाइम में तो ट्रेंड बन गया है, लोग टॉयलेट भी जाते हैं तो मोबाइल साथ लेके जाते हैं, उसके बाद निकलने के बाद हम लोग अपने हाथ धो लेते हैं लेकिन हमने कभी मोबाइल को नहीं धोया। उसके फौरन बाद हम नहाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, मोबाइल वही है, मंदिर में ही लेके जाएंगे साथ में। तो प्रभाव नेचर के प्रभाव से हम नहीं बच सकते, जिस चीज का प्रभाव चल रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम सब लोग विक्रम संवत को यूज करना शुरू करें तो उसका इफेक्ट आज हमारी जिंदगी में आ जाएगा। हम सब लोग जो नॉर्मल हमारे नंबर्स चल रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में आज पर देखने को मिलता है। हम आज मोबाइल यूज करना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाए, टेंशन फ्री सी जिंदगी हो जाए, तो उस चीज का भी एक प्रभाव है। हम ज्यादा यूज करते हैं तो उस चीज का भी एक प्रभाव है, राइट? तो नंबर टू की बात कर रहे थे। नंबर टू हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि नंबर टू हमारा क्या है, मन है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर दो बार आता है वो बैलेंस्ड होते हैं, दे आर इमोशनली बैलेंस्ड, रिएक्ट नहीं करेंगे, और करेंगे तो बड़ी सोच समझ के करेंगे। इंट्यूशन जो उसकी आई गई वाली होती है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तो चल रहा है कोई बात नहीं। और सेंसिटिव जितना जरूरत है उतना होते हैं। ये एक बिहेवियर आता है इंसान की लाइफ के अंदर, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर टू जो है वो टू टाइम्स आ रहा है, थ्री टाइम्स, तीन से ज्यादा बार नहीं आता कभी भी, 23 नहीं ज्यादा भी आता है, आता है आता आता, 2 3 4 5 6 तीन पांच बार, हाँ 22/2/2022 के लिए 2 4 2 3 1 2 3 4 5 6 बार। अब आप सोच सकते हैं, अब आप किसी चीज को खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी कैसे सोच सकते हैं कि मैंने कहा चंद्रमा हमारा मन है, और अगर आप इसको अधिक कर देंगे, चंद्रमा कारक होता है इमोशंस का, तो अगर दो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा है तो आपके इमोशंस जो हैं वो ज्यादा होने वाले हैं,
और जितने इमोशंस ज्यादा होते हैं उतना ही इंसान सेंसिटिव होता है। दो नंबर की खास बात बता रहा था कि दो नंबर वाले बड़े क्रिएटिव होते हैं। आप कभी किसी एक्टर को देखिएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत ज्यादा बार, जब वो एक्टिंग कर रहा होगा ना, जब वो एक्टिंग कर रहा होगा तो उसकी जो एक्टिंग है वो रियल लगेगी आपको, वो खुद भी रियलिस्टिक उसमें जीता है, वो एक्टिंग ये नहीं उसमें जीता। और जब हम उसको पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे यार ये रियल चल रहा होता है। ये खास बिहेवियर होता है क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा जो होता है वो क्रिएटिविटी का कारक भी है। क्रिएटिविटी क्यों कही गई मैंने, क्यों कहा क्रिएटिविटी का कारक, बिकॉज जो भी क्रिएटिविटी होती है ना वो हमारे मन में आती है, तब हम उसको उतारते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी है वो हमारे मन में आती है तब हम उसको उतारते हैं। तो अगर आपके पास चंद्रमा की अधिकता है यानी कि दो की अधिकता है तो आपके मन के अंदर क्रिएटिविटी आएगी। इंसान क्रिएटिव तभी होता है जब वो इमोशनल होता है, वो इमोशनल नहीं है तो वो क्रिएटिव नहीं है। जो रूड होते हैं ना वो क्रिएटिव नहीं होते, उन्होंने तो हाँ सोचा बस, वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। तो यहां पर इमोशंस 1 2 3 4 5 6 6 6 बार 2, तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। लेकिन लेकिन एक बात और, एक नेगेटिव फैक्ट भी है। सेंसिटिविटी की बात की थी मैंने, तो नंबर टू की अधिकता जो है वो मोर सेंसिटिव इंसान को बनाती है। मोर सेंसिटिव बनाने का मतलब क्या है, मोर सेंसिटिव बताने का मतलब ये है कि किसी की बात दिल पे इतनी बुरी लग गई कि बस अब तो हमने जीना ही नहीं। तो ऐसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत ज्यादा होती है। ये भी फैक्ट है, छोटी ही उम्र के अंदर, आजकल तो यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, बड़ी जल्दी प्यार होता है एक दूसरे से लड़के लड़कियों को, और किसी ने कुछ किसी को कह दिया और उसको दिल पे लग गया तो उसके लिए पेरेंट्स साइड पे हो जाते हैं, उसकी बात दिल पे लग गई बस अब तो सोचो जीना ही नहीं। तो ये फैक्टर भी आता है, जिनके पास एक्सेस ऑफ टू होता है उनके बिहेवियर में ये चीज देखी जाती है, उनके बिहेवियर में ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है।